2024 के लोकसभा चुनाव की महाजंग, बीजेपी ने की सेनापतियों की नियुक्ति, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इसको लेकर बीजेपी ने 15 राज्यों में अपने नए प्रभारियों के नामों की घोषणा की है। उनके अलावा सह प्रभारियों को भी नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नामों की सूची पर मुहर लगा दी, जिसके बाद नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा कर दी गई। बीजेपी की प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची में 15 राज्यों के पदाधिकारियों का नाम शामिल किया गया है। लिस्ट के मुताबिक विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया गया है, हरीश द्विवेदी को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है, ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी और नितिन नवीन को सह प्रभारी बनाया गया है। बिप्लव कुमार देव को हरियाणा, विनोद सोनकर को दमन दीव, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है, प्रकाश जावड़ेकर को केरल का प्रभारी और राधा मोहन दास अग्रवाल को सह प्रभारी बनाया गया है। राधा मोहन दास अग्रवाल को लक्षद्वीप का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रभारी पी मुरलीधर राव और सह प्रभारी पंकजा मुंडे को बनाया गया है। इसके अलावा विजय रूपानी को पंजाब और चंडीगढ़, तरुण चुग को तेलंगाना, अरुण सिंह को राजस्थान, महेश शर्मा को त्रिपुरा, मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल और संबित पात्रा को पूर्वोत्तर का प्रभारी बनाने की घोषणा की गई है। अमित मालवीय और आशा लकड़ा को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान की बैठक में प्रभारी और सह प्रभारियों के नामों पर फैसला हुआ था, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। इसके पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 6 सितंबर को बैठक की थी। इसमें 144 लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करने का फैसला लिया गया था। बैठक में 144 सीटों पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। अगर आंकड़ों की नजर से देखें तो इन 144 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर पर आई थी। इनमें वो सीट भी शामिल है जहां पर बीजेपी ने कभी जीत हासिल नहीं की। बीजेपी के प्रभारियों और सह प्रभारियों के नामों की घोषणा उस वक्त हुई है जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन को बनाना चाह रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी ने भी अपनी चुनावी तैयारियों को धार दे दी और 15 राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।